Are you ready to learn this gorgeous makeup look? So let's get started. सबसे पहले हमें फेस को बहुत ही अच्छे से करना है क्लीन. तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेट कॉटन पैड, जिससे हम पूरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे. नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लेंसेज. लेंसेज को हमें हमेशा क्लीन हैंड से अप्लाई करना है. आपके हैंड हमेशा वॉश्ड होने चाहिए. यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेश लुक हेजल लेंसेज. इसके बाद हम करेंगे फेस प्रेप, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेटाफिल मॉइस्चराइज़र. बहुत ही अच्छी हाइड्रेटिंग क्रीम है ये. तो हमारे जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट की स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है, तो उसके लिए ये परफेक्ट है. नॉर्मल से ड्राई के लिए सेटाफिल हाइड्रेटिंग क्रीम इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट. बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं. तो यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश से इसको अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस. साथ ही हम लिप बाम भी लगा लेंगे. तो लिप ब्रश के लिप बाम है, इससे क्लाइंट के लिप्स भी बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो जाएंगे. और इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप से. तो यहाँ मैं ले रही हूँ अपना करंट फेवरेट कंसीलर, विच इज़ फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स. और इसको मैं अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. और आप देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज है, कितना पिगमेंटेड है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि केक ही हो रहा है या फिर बहुत ही कवरेज कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है. सो मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गई हूँ अपने क्लाइंट्स पर. एंड यहाँ पे हम इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. और उसके बाद हमें पता ही हमें करना है पाउडर लॉक. पाउडर लॉक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एस्पन ट्रांसलूसेंट पाउडर. आप कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर ले सकते हो और अप्लाई कर सकते हो फ्लफी ब्रश के साथ में. एंड इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं आई शेडो. तो यहाँ पे हम करने वाले हैं हल्दी मेकअप लुक, जिसके लिए हम थोड़ा सा कलरफुल आई मेकअप करने वाले हैं. और यहाँ पे मैं लाइट पिंक कलर का आई शेडो ले रही हूँ अपर क्रीज पर और इसको ब्लेंड कर रही हूँ इस तरीके से. एंड आउटफिट का जो कलर है दैट इज़ येलो, जो आप देख ही चुके हैं स्टार्टिंग में, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है. तो येलो आउटफिट का मतलब ये नहीं होता कि हम येलो आई मेकअप ही करें. येलो का भी हम टिंच देंगे लेकिन बहुत थोड़ा सा, और बाकी कलर्स हम दूसरे ऐड करेंगे जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे. और यहाँ पे जो क्लाइंट की ज्वेलरी है वो है कलरफुल है, उसमें रेड पिंक ग्रीन वाइट ये सब कलर्स हैं. तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम यहाँ पे आई मेकअप के कलर्स चूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पिंक ले लिया है और उसमें हल्का सा बहुत थोड़ा सा टिंच लिया है मैंने मरून का. और यहाँ पे मैंने कॉर्नर्स पूरे फिल कर दिए हैं. इनर कॉर्नर पे मैंने लगा लिया है येलो, एग्जैक्टली येलो जो इनके आउटफिट में है वो शेड मैंने यहाँ पे ले लिया है इनर कॉर्नर्स पर. और अब हम यहाँ पे सेंटर में अप्लाई कर देंगे मेरा फेवरेट शिमर. तो ये जो शिमर है ना, ये मैं थाईलैंड से लेके आई थी. आप इसकी जगह कोई भी शैम्पेन कलर का हाइलाइटर या शिमर शैडो यूज़ कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी ये अभी मेरा करंट फेवरेट है. मैं इसको बहुत सारे मेकअप्स में ऑलरेडी यूज़ कर भी चुकी हूँ और ये इतना प्यारा लगता है लगाया हुआ. और ये हर आउटफिट के साथ सूट करता है, सबके साथ मैच हो जाता है. तो यहाँ पे मैं इसको फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ और आप देख सकते हो कितनी प्यारी शाइन आ रही है. सो बेसिकली दिस इज़ अ शैम्पेन कलर, आपको किसी भी आई शेडो पैलेट में ये मिल जाएगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. और ये मैंने फिंगर से अप्लाई किया. अब मैं ले रही हूँ अपनी फेवरेट नियॉन कलर पेंसिल एंड इसका शेड आई गेस फ्रेश करके आपको मिल जाएगा. एंड एले गर्ल की पेंसिल बहुत ही अच्छी है. तो कभी कभी हमें इतने रीजनेबल और अच्छे प्राइसेस पे इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको सब हाई एंड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं. मेन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो होता है हमारा बेस कंसीलर पाउडर. ये तीन चार चीज़ें होती है जो हमें हाई एंड ही यूज़ करनी चाहिए, और बाकी चीज़ें आप अफोर्डेबल और नॉर्मल रेंज की भी ले सकते हो, यानी कि ड्रग स्टोर में. और देखो अब मैं नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे ग्रीन आईलाइनर. तो पहले हमने नियॉन आईलाइनर लगाया और उसके नीचे मैंने ग्रीन आईलाइनर लगाया. बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी. अभी आप देखोगे ना फुल आई मेकअप हो जाएगा, तो देखना कितना ग्रेसफुल लग रहा है ये. तो यहाँ पे हमने ये आईलाइनर लगाना है और ये काम बहुत ही प्रिसाइसली करना है, ध्यान से करना है. एंड इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं मस्कारा विच इज़ फ्रॉम मेबलिन. ये मस्कारा का वॉन्ड मेरा इतना फेवरेट हो चुका है, चाहे लोअर लैश पे लगाना हो चाहे नॉर्मल लैशेस पे लगाना हो, इतना अच्छे से ये लगता है. तो अभी मेरा वापस से करंट फेवरेट हो गया है ये. बीच में मैंने फॉरएवर और बहुत सारे दूसरे मस्कारास ट्राई करे थे, लेकिन अभी ये मेरा करंट फेवरेट हो गया है. एंड इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं लैशेस. लैशेस हम बहुत बड़ी नहीं लगाएंगे, पहले फटाफट से कर्ल कर देते हैं लैशेस को. वेगा का आईलैश कर्लर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. बहुत ध्यान से ये स्टेप हमें करना है, धीरे धीरे आगे आगे आना है और प्रेस करना है लैशेस को ताकि वो अच्छे से कर्ल हो जाएं. एंड इसके बाद मैं फेस प्राइम कर लूँगी. तो प्राइमर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी का, बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग प्राइमर है.
ये भी मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को जिनको अफोर्डेबल प्राइस पे कोई ऐसा प्राइमर चाहिए जो हाइड्रेटिंग हो। तो अगर आप लोग एम्ब्रोलिस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, ये भी बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लगाएंगे लैशेस। आई लैशेस हमें ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी है क्योंकि आईज़ जो हैं वो छोटी हैं, और अगर लैशेस बड़ी लगा देंगे तो जो भी हमने मेहनत करी आई मेकअप करने में वो सब छुप जाएगी। तो नेचुरल लुकिंग आई लैशेस यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। ग्लू जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ PAC आई लैश ग्लू। और अब हम कलर करेक्शन कर लेंगे। कलर करेक्शन में मैं यहाँ पे इन साइड का ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, इतना पिगमेंटेड था ना, मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं होती ना किसी किसी प्रोडक्ट्स के इतने अच्छे निकल जाएंगे। इनसाइट के प्रोडक्ट्स मैंने बहुत टाइम बाद परचेज करे हैं, मतलब बहुत पहले से सुन रही थी तारीफ इसकी, बट इसका कंसीलर और इसके करेक्टर पे तो मेरा दिल आ चुका है, इतने अच्छे हैं ये सब। और अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आप देख ही सकते हो, खुद ही आप जज कर लो कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अलग से ओवर लग रहा हो प्रोडक्ट या फिर कोई कवरेज ना दे रहा हो, बिल्कुल जैसा होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही ये प्रोडक्ट है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर। तो यहाँ पे हमें क्लाइंट की स्किन से 1 से 2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ करना। तो अगेन मैं इनसाइड का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड MN35। दो मस्ट हैव शेड्स मैं बता देती हूँ, 1 इज़ LN10 एंड 1 इज़ MN35। ये दो शेड्स ले लो, हमेशा आपके काम आएंगे ही आएंगे। जो लाइटर शेड है वो आई मेकअप के लिए और हाइलाइटिंग के लिए आपका यूज़ हो जाएगा, और ये जो डार्क शेड है कंसीलिंग के लिए परफेक्ट यूज़ हो जाएगा आपका। और ये देखो कितने अच्छे से हम यहाँ पे इसको ब्लेंड कर रहे हैं, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। और इसका रिसेंटली मैंने एक शेड और ऑर्डर किया है MN20, वो भी मैं ट्राई करके आपको बताऊँगी कि वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्किन पर यूज़ होगा। और अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशंस दैट आई हैव यूज़ 1.3 फ्रॉम PAC और बहुत बहुत थोड़ा सा उसमें मैंने मिक्स किया है 2.1। 2.1 इज़ बेसिकली फॉर मीडियम स्किन टोन और 1.3 मीडियम से फेयर स्किन टोन के लिए। तो ये दोनों शेड्स यहाँ पे मैंने मिक्स किए हैं इनका परफेक्ट शेड बनाने के लिए। और यहाँ पे हम बिल्कुल भी लाइट यानी कि फेयर मेकअप नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल टोन टू टोन मेकअप ही करने वाले हैं। सो इसलिए सेम मैंने शेड लिया है और फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो ब्यूटी ब्लेंडर हमारा डैम्प होना चाहिए, मैं हर वीडियो में ये चीज़ आपको बताती हूँ। अगर आप बिल्कुल सूखा ब्लेंडर यूज़ कर लोगे तो पैची मेकअप होगा, और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गीला यूज़ करोगे तो कवरेज नहीं मिलेगी। इसलिए डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर आपको यूज़ करना है। और एक बार बता देती हूँ, इसको अच्छे से गीला करके आप टॉवल के अंदर स्क्वीज़ करोगे ना और फिर यूज़ करोगे, सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। देखो कितना फ्लॉलेस ऑलरेडी बेस हमारा लग रहा है। अब देखो जो मैंने आपको मेन दो शेड बताए थे इनसाइड कंसीलर के, उसमें से लाइटर शेड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ LN10, और अब मैं इसको भी ब्लेंड कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी हाइलाइटिंग के लिए ये कंसीलर है, एंड इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। छोटे एरियाज़ को मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से करो और बड़े एरियाज़ को आप बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से करो। और अभी हमें पाउडर लॉक नहीं करना है, अभी हम क्रीम और लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट सारे यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे क्रीम ब्लश। क्रीम ब्लश जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम K Beauty के मैंने दो शेड्स ऑर्डर किए थे और दोनों ही परफेक्ट है। वन इज़ इन द शेड रेडिश पिंक एंड अनदर शेड इज़ कोरल पीच। दोनों ही प्यारे से शेड्स हैं। और यहाँ पे मैं देखो ये यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ आई थिंक कोरल पीच टाइप ऑफ अ कलर। एंड यहाँ पे मैं फिंगर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ और इतना ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी घिसने की यहाँ पे टाइम नहीं लगता इसको ब्लेंड करने में, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कभी भी प्रोडक्ट देखना है कि कैसा बेस्ट लगेगा, कौन सा ऑर्डर करना है, कंफ्यूजन हो रही है, तो नायका में जाके रेटिंग चेक कर लो और रिव्यूज़ पढ़ लो। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ सबके रिव्यूज़ बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया है, तो वो आप जाके ऑर्डर कर सकते हो। अब देखो हमें पाउडर लॉक करना है, तो पाउडर लॉक के लिए सबसे पहले क्रीज लाइंस को हटाया, ब्लेंड करा और उसके बाद पाउडर लॉक किया। तो माउथ के कॉर्नर पर और अपर लिप पर, अंडर आइज़ पर, फोरहेड पर, ये मेन जगह है जहाँ पे आपको लूज़ पाउडर यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया, एस्पन का लूज़ पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं। और जो रिमेनिंग बच जाए वो आप ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर दो। इसके बाद बारी आती है ब्राउज़ की। ब्राउज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन ब्राउ डिफाइनर इन द शेड नेचुरल ब्राउन, और बिल्कुल नेचुरल ही इनकी ब्राउज़ बनाएंगे। वैसे तो मैं कभी भी आर्टिफिशियल ब्राउज़ नहीं बनाती हूँ, बट स्टिल क्योंकि ये लुक बहुत ही फ्रेश लुक हम दे रहे हैं, हल्दी लुक दे रहे हैं, और हल्दी तो होती भी मॉर्निंग में ही है। मॉर्निंग में कभी भी आपको हैवी बेस, हैवी मेकअप या हैवी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ
ब्राउ को थोड़ा सा फिल और इसके साथ हम स्पूली से इसको ब्रश करके ठीक कर लेंगे। एंड यू कैन सी इनके फेस पे हैवी कॉन्टोर की तो बिल्कुल नीड नहीं थी, तो हम सिर्फ पाउडर कॉन्टोर कर रहे हैं। एंड द शेड आई एम यूजिंग इज फ्रॉम शुगर का हम कॉन्टोर शेड ले रहे हैं और इसको हम कॉन्टोर एरियाज पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। तो जनरली मैं हूला यूज़ करती हूँ, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि कोई और भी सजेस्ट करो, हूला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का कॉन्टोर। एंड द शेड इज 02 वुडी वंडर, बहुत ही प्यारा सा शेड है, ऑलमोस्ट सब स्किन पे चला जाता है। और यहाँ पे ब्रश मैंने उसी का यूज़ किया है, और अगर आपको ब्रश दूसरा यूज़ करना है तो यू हैव टू यूज़ एंगुलर ब्रश जो कि कॉन्टोरिंग के लिए बेस्ट हो। और यहाँ पे मुझे फ्रंट से ब्राउज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी तो मैंने उसको थोड़ा और बेटर कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट पेंसिल, मॉर्निंग फंक्शन भी है और आईज छोटी भी हैं, तो दोनों रीज़न से मैं यहाँ पे न्यूट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम रिमेल एंड बहुत ही प्यारी न्यूट पेंसिल है, और बहुत अच्छे से हमें वाटर लाइन पे इसको अप्लाई करना है। एंड नीचे हम थोड़ा सा कलरफुल में रखेंगे इसको, तो यहाँ पे मैं पिंक कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ और इसके साथ मैं एक दो कलर्स और भी करने वाली हूँ, जैसे कि ऑरेंज और येलो। तो मिक्स करके हम यहाँ पे आई शेडो लगा लेंगे लोअर लैश पे बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद बारी आएगी लोअर लैश मस्कारा की। तो जो मैंने बताया था ना आपको मस्कारा, उसका वॉन्ड इतना अच्छा है कि लोअर लैश के लिए आप वो ले सकते हो, स्पेशली बहुत इजीली लग जाता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है लोअर लैश मस्कारा लगाने में, नीचे लग जाता है बहुत बार, उससे नहीं लगेगा। देखो वो कितना ईजिली मैं इस पर लगा पा रही हूँ लैशेस पर, और बहुत कन्वीनियंट रहता है इसको यूज़ करना। एंड यहाँ पे देखो पफ मेरे हाथ में हमेशा रहता है, पिज़्ज़ा बाबा आप देख सकते हो, मैं हमेशा उसको अपनी पिंकी फिंगर में लगा के रखती हूँ। कोई भी मुझे काम करना होता है, लिपस्टिक लगानी होती है बेस के बाद में, या जब भी मुझे लगे कि मेरा हैंड टच हो सकता है फेस पे, मैं हमेशा वेयर करती हूँ वो। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। ब्लश हमें पीचेश शेड में ही देना था, तो यहाँ मैं फॉरएवर 52 की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे शेड्स है, बट जो कॉर्नर वाला शेड है पीच कलर का, वो मेरा फेवरेट है, मैं वही सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड यहाँ पे आई थिंक इनर कॉर्नर पे कुछ ब्लैक सा लगा हुआ था, मे बी मस्कारा या कुछ, तो उसको हमने स्पूली से फटाफट से नीट कर लिया है। और अब मैं एक्स्ट्रा पाउडर डस्ट ऑफ कर रही हूँ। जब भी आपका आई मेकअप का काम पूरा हो जाए, आपको एक्स्ट्रा पाउडर डस्ट ऑफ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ एनी क्लीन फ्लफी ब्रश। और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्प्रे, क्योंकि फिक्सिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है मेकअप को फिक्स करने के लिए। तो मैं मेरा पर्सनल फेवरेट स्प्रे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ PAC माइक्रो फिनिश फिक्सर। बहुत अच्छा स्प्रे है, दो स्प्रे मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, वन इज़ मैक अगर किसी को हाई एंड में लेना है, और अगर किसी को अफोर्डेबल में लेना है तो दिस इज़ फ्रॉम PAC। क्वान्टिटी भी बहुत अच्छी है और स्प्रे भी बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद फटाफट से इसको ड्राई कर लेंगे। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा फेवरेट हाइलाइटर, विच इज़ फ्रॉम बेका शैम्पेन पॉप, एंड यहाँ पे हम हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर इसको अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की, तो जनरली मैं पहले जैसे हमेशा ब्राउन लिप लाइनर लगाती हूँ, तो आज भी वही लगा रही हूँ, और इसके ऊपर हम बिल्कुल लाइट सा शेड दे देंगे, तो बहुत ही अच्छा सा डिफाइंड लिप का लुक आता है उससे। नायका की लिप पेंसिल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड में, आई थिंक चॉकलेट बॉय इज़ द शेड, और इसको बहुत ही अच्छे से हम लिप लाइन कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं ओवरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि अपर लिप जो है वो थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे क्लाइन का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको इनहेंस कर रही हूँ। तो इनहेंस आपको बहुत ध्यान से करना है, ऐसा भी ना लगे कि बिल्कुल नकली लिप्स बना दिए हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, तो थोड़ा सा ही ड्रॉ करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं शेड ले रही हूँ, दैट इज़ दो शेड्स मैंने लिए, पहले मैंने डॉल्स ट्राई किया एनेस्टाजिया का, वो मुझे उतना समझ नहीं आया, उसके बाद मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का शेड लिया है बॉम शेल। तो आप देख सकते हो ये छोटा है, तो देखो जब भी मुझे कोई ट्राई करना होता है लिप शेड, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं उसका छोटा यानी कि सैम्पल पीस ही मंगवाऊँ, उसके बाद अगर वो मुझे पसंद आता है तो मैं बड़ा मंगवा दे। तो इसका मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ, ये शेड बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बॉम्बशेल के बारे में मैंने पहले भी बहुत सुना था, बट जब से इसको यूज़ किया है तो ये इसके अलावा तो बहुत ही मुश्किल से कोई और लिप शेड समझ में आता है। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ये लिप शेड, न्यूड शेड है, बहुत अच्छा है। इसके बाद हम नेक पे भी अच्छे से कवरेज दे देंगे फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट की। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का फाउंडेशन पैलेट, एंड जैसे कि मैंने बताया है फेस पे अगर आप हाई एंड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो या ऐसा
फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो जिसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है, तो आपको हमेशा नेक के लिए ऐसा कोई फाउंडेशन रखना है अपने पास, जैसे क्राइलॉन हो गया, मेकअप स्टूडियो हो गया, या कोई भी बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज का फाउंडेशन रखना है जो आप नेक के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड जस्ट मेक श्योर जो आपका फेस पे आपने कलर यूज़ किया है फाउंडेशन का, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए नेक का भी वो। तो देखो हम यहाँ पे सेम शेड यूज़ कर रहे हैं नेक पे, और इसको बहुत ही अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम नेक पे ड्रैग कर सकते हैं, मैं डैब डैब के लिए सिर्फ फेस पे बोलती हूँ, बट नेक पे आप ड्रैग कर सकते हो। और इसके बाद कॉम्पैक्ट हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम मैक, NC25 एंड NC20 को मिक्स करके हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि मीडियम और मीडियम फेयर को यूज़ किया है। एंड इसके बाद बारी आती है हाइलाइटिंग की, तो अगेन मैं अपना फेवरेट हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, विच आई गॉट फ्रॉम थाईलैंड, बट आप यहाँ पे कोई भी अपना फेवरेट हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, कॉलर बोन्स पे, क्लेवेज पर, और जहाँ भी आपको बोन्स इन्हांस लग रहे हो वहाँ पे आपको यूज़ करना है। दिस इज़ द फाइनल लुक, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए कॉमेंट में मोर लिखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।